हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, और आज आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेशर और अपना संसार। तो मैं हाजिर हूँ आज आप लोगों से कुछ टिप्स लेकर के कि हम अपने घर में जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको यूज़ कैसे करें, उनको फिर से पहले की तरह अच्छा कैसे बनाएं। जैसे कि ये कुशन का कुशन है, ये अभी पुराना हो गया है और इसका जो कॉटन है वो काफ़ी बेकार हो गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। तो हम थ्रो ना करें, हम इसे यूज करें। कैसे यूज करें यही मैं दिखा रही हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ 5 हैक्स यूज करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे संभाल करके रखती हूँ, चाहे वो गुड़ हो और बरसात के टाइम में अक्सर ख़राब हो जाता है, तो मैं अपने गुड़ को कैसे संभाल कर रखती हूँ जो कभी वो ख़राब नहीं होता, जैसा मार्केट से लेकर के आते वैसे, क्योंकि गुड़ का होना बहुत ज़रूरी है घर में और गुड़ काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये सभी को पता है और हम सब गुड़ यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बरसात आती है या गर्मियाँ बहुत तेज़ होती हैं, तो या तो वो एकदम सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर वो बरसात आती है पिघलने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो मैं अपने गुड़ को कैसे संभाल कर रखती हूँ, बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, जैसे आप मार्केट से लाते हो ना, ना तो उसका कलर चेंज होता है, ना उसका स्वाद चेंज होता है, ना वो पिघलता है। तो कैसे मैं उसको संभालती हूँ ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अपने कॉटन को कैसे सही रखना, अपने कुशन को, पिलो को हम कैसे संभाल करके फिर से वैसे ही उतना ही पफी, उतना ही बढ़िया सा सॉफ्ट कैसे रख सकते कॉटन को, कॉटन को फेंकने के बजाय उसे किस तरीके से हम यूज़ करें जिससे कि वो अच्छा बना रहे और सालों साल हमारे पास चलता रहे, क्योंकि कॉटन कभी ख़राब नहीं होता है, बस हमें समझ नहीं होती, जानकारी नहीं होती और हम उसे फेंक देते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे यूज़ करूँगी नींबू। नींबू हम अक्सर क्या करते हैं, उसका रस निकालते हैं और फेंक देते हैं, तो हम उसको ना फेंक करके उसके छिलके को संभाल करके किस किस चीज़ में यूज कर सकते हैं और कैसे क्या बना करके रख सकते हैं जो हम महीनों से संभाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, तो मैं ये भी आपके साथ आज शेयर करूँगी। साथ ही साथ हम मसाला मंगाते हैं, मतलब गरम मसाला, और कभी हम उसका बिरयानी का मसाला बनाते हैं, कभी किसी चीज़ का बनाते हैं, तो अलग अलग मसाले ना बना करके एक मसाला बनाया जाए घर में, कौन कौन सा मसाला यूज किया जाए और कैसे उसको बनाया जाए कि उसका जो रियल खुशबू होती है ना उसे संभाल कर रखा जा सके, ताकि हम उसे महीनों का रखे रहते हैं, सालों रखे रहे ना, तो उसका स्वाद ना चेंज हो, वही स्वाद हो, वही कलर हो और हमारा मसाला वैसा का वैसा जब भी हम यूज़ करें वही खुशबू आए। मेरे खाने में क्यों इतना स्वाद होता है ये एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपने मसाले को कैसे तैयार करती हूँ, कैसे संभाल कर रखती हूँ और क्यों मैं एक साल के लिए पूरा स्टोर करके रख लेती हूँ और मेरा मसाला वैसा का वैसा ही रहता है, वही खुशबू रहती है। तो चलिए आज मैं भी आपसे शेयर करूँगी, तो देखिए और हमसे जुड़िए, बने रहिए। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख करके हम किसी चीज़ को अच्छा बना सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, अपने घर को हर चीज़ को फेंकने के बजाय उसे रियूज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से फिर से पहले के जैसा ही बना करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि मैं कैसे क्या करती हूँ जो मेरे घर की हर चीज़ परफेक्ट बनी होती है, और मैं फालतू के नए चीज़ नहीं खरीदती बल्कि पुरानी चीज़ को भी मैं फिर से रियूज कर लेती हूँ और उसे कैसे संभाल कर रख लेती हूँ। चलिए पहले मिलवाती हूँ मैं अपने बगिया के 2 फ्लावर्स से। ये जो पहली बार खिला है बहुत ही खूबसूरत से मेरे दोनों फ्लावर, और अब चलते हैं पहले हैक की तरफ। ये है गुड़, अक्सर हम गुड़ को इसी तरीके से लाते हैं और इसी तरीके से रख देते हैं ना, और फिर क्या होता है, ये अभी जब तेज़ धूप मतलब गर्मियाँ शुरू होंगी या शुरू हो चुकी हैं तो ये सूख जाते हैं, उनका स्वाद भी ख़राब हो जाता है, बरसात आती है तो पिघलने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से टिश्यू पेपर लेंगे। अगर आपके घर में टिश्यू पेपर नहीं है तो आप सामान्य सा ऐसे ही सादा पेपर ले लीजिए और इस तरीके से लपेटिए, बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे किसी एयरटाइट डिब्बे में। इस
इस तरीके से अगर आप रखोगे तो ये आपका गुड़ पूरे साल का साल ऐसे ही रखा रहेगा जैसा कि बिल्कुल नया अभी मार्केट से आया है। तो मैं इसको ऐसे रख करके फ्रिज में रख दूँगी और ये हमारा आराम से पूरे साल चलेगा, ना तो ख़राब होगा, ना पिघलेगा, ना सूखेगा, ना इसका स्वाद चेंज होगा। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए सेकंड की तरफ, ये रुई ऐसे रुई हो जाती है ना, हमारे कुशन का, हमारे पिलो का, हमारे मनसत का, मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हैं इस तरीके से कुछ यही तरीके से हो जाता है। और हम क्या करते हैं फिर, हम इसको फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये कॉटन बेकार हो चुका है, अभी सही नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये सही होता है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से सही हो जाता है। चलिए देखते हैं मैं क्या करती हूँ इसको सही करने के लिए। मैंने लिया एक पिलो कवर और उसमें मैं इसको भर दूँगी। जैसे है रुई वैसे ही उठा करके मैं सीधे मैंने कुशन से निकाला है और मैं भर दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सारा भर दूँगी और एक नॉट लगा दूँगी इसमें। आप चाहो तो खुला भी रख सकते हो, मैं खुला इसलिए नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे यहाँ बंदर हैं, जेनी है, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं, जेनी पूरा कॉटन खेल करके फेंक देती है। तो मैं सारा ऐसे भर दूँगी इसको और अब मैं इसे धूप में डाल दूँगी 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे बाद में ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी ना, बड़ी आसानी से एकदम से अलग हो जाती है, बहुत जल्दी, बस आप हाथ लगाते जाओगे और एकदम से खुलती चली जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल मैं बस छू रही हूँ, ये सारा अलग हो जा रहा है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है ना, जैसे नई कॉटन हम लेकर के आते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका तैयार है, आप इसे कुशन में फिर से भर लीजिए और बस यूज़ करिए सालों साल, फिर से जब ख़राब हो तो फिर से सही कर लीजिए। ये देखिए, अब चलते हैं तीसरे एक्स की तरफ। नींबू हम लेते हैं इस तरीके से, कट किया, रस निचोड़ लिया और फिर क्या करते हैं, इस छिलकों को हम थ्रो कर देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, देखिए मैं क्या करती हूँ और फिर बताती हूँ मैं कितने काम की चीज़ है ये। मैंने सारे रस निचोड़ दिए, ये नींबू का छिलका है जिसे फेंका जाता है, ये रस है। अब मैं इस छिलके को लूँगी, एक कंटेनर में डालूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसके बाद में मैं इसे रख दूँगी। ये महीने दो महीने ख़राब नहीं होता है, आपकी कढ़ाई जल गई है, आपके स्लैब पे कभी कोई दाग धब्बा है, कहीं पे कपड़े पे कोई दाग धब्बा है, किसी बर्तन में अगर जल गया, साफ नहीं हो रहा है, तो आप उसको इसको यूज करके आसानी से साफ कर सकते हो। चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। मैं मसाले ले रही हूँ, देखिए बहुत सारे मसाले, मैं इसी तरह इकट्ठा मसाला मंगाती हूँ, आधा आधा किलो, एक एक किलो, उसके बाद में मैं सारे मसाले एकदम से तैयार करके रख लेती हूँ। पहले तो अनुपात सही लेना है मसालों का, ये तो सब एक समान मसाले आए हैं, सब आधा आधा किलो, तो हमें इस तरीके सारा आधा आधा किलो इकट्ठा करके नहीं पीस लेना है। जैसे कि मैंने लिया ये 100 ग्राम काली मिर्च, तो हम इसमें 100 ग्राम काली मिर्च में लेंगे 250 ग्राम जीरा, लगभग 25 से 30 लौंग, चंद्रफूल या स्टार बोल सकते हो इसे, उसे लेंगे 8 से 10, इलायची 8 से 10, जायफल 2-3, जावित्री लगभग 50 ग्राम और 50 ग्राम के करीब करीब हमें लेना है दालचीनी, इलायची छोटी इलायची भी मुझे 10 से 15 ही लेनी है। बस ये हमारा मसाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले में अलग अलग डिवाइड करेंगे, जीरा और काली मिर्च इसे हम अलग कर लेंगे। काली मिर्च को देख लीजिए, कभी कभी उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, जीरा भी साफ कर लीजिए और लौंग इलायची को भी अलग कर लीजिए। हम मसाले को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, काली मिर्च और जीरा अलग रखेंगे और जो ऐसे मसाले हैं उन्हें अलग रखेंगे। दोनों को धूप में सुखाएंगे,
हम इसे तवे पे या कढ़ाई में गरम नहीं करेंगे। गरम करने से स्वाद चला जाता है, महक चली जाती है। हम सुखाएंगे, सुखा करके इसको पीसेंगे। हाँ, पीसते समय ध्यान रखें मिक्सर को थोड़ा धीमे धीमे चलाइए, ज़्यादा देर तक मत चलाइए कि उसका स्वाद चला जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।